हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आए हो सब बढ़िया होंगे। तो यार इतनी ठंड हो रही है कि आँखों में से पानी निकल रहा है मेरे, और सुबह सुबह के टाइम पर कल इतनी बारिश हुई है, बट आज वेदर एकदम क्लियर है, एकदम साफ दिख रहा है यहाँ पे। और अभी तो वर्कआउट वार्म अप कर लिया हमने, और बाकी का वर्कआउट अभी करते हैं, तो बने रही इसी तरह से, और दिखाता हूँ मैं आपको आगे। तो यार आज के ब्लॉग की शुरुआत ही मैंने सुबह सुबह ग्राउंड से की है, और वर्कआउट के टाइम पर ही की अपने। तो अभी तो मैं जनरल एक्सरसाइज करूँगा और उसके बाद स्ट्राइड लगा रहा हूँ, तो आपको भी दिखाऊं। ग्राउंड से निकल आए हम, क्योंकि काफ़ी टाइम रुक गए थे और वेदर काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी देर तक रुके रहे हम भी। तो अभी गेट से बाहर ही निकले हैं, तो गेट के बगल में ही देखिए हमारी एकेडमी का पोस्टर लगा हुआ है, और जिसमें कि मेरा भी फ़ोटो है वो देखिए, रोशन कुमार वाला। तो एक टाइम पर मैं भी यहाँ पर सिखाया करता था ग्रुप में, बट फिर मैंने अपनी तैयारियों के चक्कर में छोड़ दिया था सिखाना, क्योंकि अपनी तैयारी करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो काफ़ी लोग ये भी सोचते होंगे कि मैं डेली डेली ग्राउंड आ जाता हूँ, तो एक्चुअली ये था कि मैं पहले आर्मी की तैयारी कर रहा था, बट अब मेरी एज ज़्यादा हो गई है और कोई फिजिकल भी नहीं है पास में, तो एक आदत सी बनी हुई है डेली डेली ग्राउंड आने की, तो इस चक्कर में आ जाता हूँ मैं भी। और फिटनेस तो वैसे भी ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली का तो पता ही है, डेली हम घर पे बैठे रहते हैं, कुछ काम धंधा होता नहीं है, तो इसी चक्कर में थोड़ा बहुत फिटनेस के लिए आ जाते हैं ग्राउंड में। तो यही है, बाकी तो अभी निकल गए हैं, घर को चल रहे हैं, और मिलते हैं आप सभी से कल। और दिन में अगर कहीं जाना होगा तो वो दिखाऊंगा आपको। और वेदर देख सकते हैं आप, काफ़ी साफ़ है आज, और धूप भी निकलने को आई है। तो अभी यार कुछ काम के लिए मैं घर से बाहर आया हुआ था, तो सुबह तो इतना अच्छा मौसम था कि बारिश वारिश का कोई सीन नहीं था, बट अभी फिर से मौसम ख़राब होने को आया, और ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ देर में बारिश हो जाएगी, बट देखते हैं। अभी मैं ऐसे ही शादीपुर तक आया था कुछ काम के लिए अपने, क्योंकि बैंक में कुछ काम था, तो वो तो हो गया, अभी मैं घर को ही जा रहा हूँ। बाकी दिखाता हूँ आपको, और वेदर अभी ख़राब होने को आया है, क्या पता शायद बारिश भी हो जाए, तो देखता हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज वीक का सेकंड डे है, और मेरा वर्कआउट का भी सेकंड डे है। तो अभी तो मैंने 30 मिनट कंटिन्यू कर लिए, और काफ़ी ज़्यादा ठंड है आज, और देख सकते हैं पूरा पसीने से गीला हो गया हूँ मैं इतनी ठंड में भी, और अभी तो नाक भी बहना शुरू हो गई है मेरी। बस थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से, और उसके बाद देखते हैं कहीं जाना होता है तो। अभी सो गाइस, सुबह ग्राउंड से आने के बाद अभी मैं यहाँ झंडे वाले में आया हुआ था, बट इतनी ज़्यादा ठंड है अभी तो यहाँ पे, यार सच में कांप रहा हूँ मैं पूरा, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम था मेरा, तो उस चक्कर में आया हुआ था, और अभी तो वो काम हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से निकलता हूँ अभी। और मास्क के लिए तो पुलिस हर जगह पर मिल जाती है, और वेदर काफ़ी ख़राब है यार, सच में कुछ ज़्यादा ठंड लग रही है मेरे को। तो यहाँ से तो निकलते हैं अभी, और उसके बाद आगे दिखाते हैं आपको, क्योंकि यार सुबह से कुछ खाना वाना भी नहीं खाया है। रास्ते में देखता हूँ, तो यार बस बस पकड़ते हैं अभी यहाँ से, और चलते हैं यहाँ से घर जाके कुछ खाते हैं, काफ़ी भूख लग रही है अभी तो। तो यार झंडे वाले से निकल के आ गया मैं, और रास्ते में मेरा एक पार्क पड़ता है, तो मैंने सोचा थोड़ा यहाँ पर भी जाके आऊँ, और जाते जाते थोड़ा आप लोगों को भी दिखा दूँ पार्क। तो ठंड काफ़ी हो रही है, और कितने देर से मैंने अब जाके मास्क उतारा है। और यार एक बात आप लोग को बतानी है, कि कितने लोग बोलते हैं मेरे को कि यार तू ब्लॉग में अच्छे से बोल नहीं पाता है, तो यार अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ यार, बट लोग बोलते हैं कि हाँ तो एकदम सीरियस सा दिखता है, तो यार आप लोग ही बताइए, क्या मैं सीरियस दिख रहा हूँ अभी? हंसते हुए तो मैं बोल ही रहा हूँ, बट पता नहीं लोगों को किस तरह से मेरा फेस देखना है, और किस तरह से मैं दिखाऊँ उनको, और कि उनको अच्छा लगे।
बट मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहा हूँ यार कि आई होप आप लोग को पसंद आए और मैं आपको इंटरटेन कर पाऊँ और अपनी लाइफ स्टाइल से आप लोग को जोड़ पाऊँ। बट शायद अभी भी लोगों को लगता है कि हाँ मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ, बट कोई नहीं, मैं भी सीख ही रहा हूँ धीरे धीरे और आई होप आगे से आपको और अच्छा अच्छा दिखा पाऊँ। तो थोड़ा पार्क दिखाऊँ आपको और उसके बाद निकलते हैं फिर यहाँ से। तो ये मैं पार्क में आया हूँ, यहाँ है रॉक गार्डन और ये इसके पीछे वाला साइड है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए यार कितना हरा भरा और कितने सारे पेड़े वेड़े हैं यहाँ पे। सारे कबूतर से यहाँ पे यह है काफ़ी अच्छा। यहाँ पे यहाँ से पूरा खुला खुला है आगे। तो यार झंडे वाला गया हुआ था मैं और अभी तो ये जिस पार्क में आया हूँ ये तो पटेल नगर में पड़ता है मेरे और पास में ही है। कई कई बार तो सुबह सुबह हम वर्कआउट के बाद भी यहाँ पे आ जाया करते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। बट पीछे वाला साइड तो डेंजर है थोड़ा और आगे वाले साइड पे मैं आपको दिखाऊं तो वो साइड थोड़ा अच्छा है क्योंकि मैं पैदल ही जा रहा था अभी तो और ये थोड़ा शॉर्टकट सा पड़ता है मेरा, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा यहीं से चलते हैं क्योंकि जल्दी पहुँच जाऊँगा। और इस वाले साइड दिखाऊँ आप और ये देखिए यहाँ पर कितना खुला है। आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। तो यार देखिए आप कितना प्यारा है यहाँ पे, कितने सारे पेड़ पेड़ हैं और दिल्ली में ऐसी जगहें जब दिख जाती है तो काफ़ी अच्छा लगता है, इनकी खूबसूरती का जवाब नहीं। Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling.